हाँ दोस्तों, सभी एक साथ मिलकर के दुर्गे माँ का जयकारा बोले, जिससे कि आत्माओं को शांति हो। बोल दुर्गे मैया की। प्यारे भाइयों, नेम सिंह एंड पार्टी त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से पेश कर वीडियो एवं सीडी। दोस्तों, सभी कलाकारों की आवाज में सुनेंगे प्रोग्राम मारू का गोना। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर के चलते हैं बंजारा और बंजारे धंधा करने के लिए जा रहे हैं, वो किस तरीका से पिंगुलगढ़ में और मारू के बगीचे में पहुंच जाते हैं। यहां से हमारा ढोला देखिएगा। बंजारिन छा सुनवर छे, क्या धंधो करण कुछ छे? धंधो करवे चलवर छे, गावर छे। हां गावर छे, मैं भी गावर छे, तू भी गावर छे। हैं हां, अरे दद्दा मारी बाड़ी ने ब्यादी रे। क्या कह रही है? अरे दद्दा 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 दद्दा, अरे कक्का दद्दा, मारी बाड़ी ने ब्यादी रे। अरे बंडो पेरू घागिरो में लिया जनवारी रे। अरे दद्दा, जय ब्रह्मार गुड्डू कैसे मुस्करा रहे देख ले। हाँ सुन के नहीं, अरे सुन रही हो? सब खेल साखों में धर बैठे किर किटकी चल गई चलना है। किटकी चल गई चलना है। बॉलर काम तोड़ रहा फार्म के सचिन का बल्ला है। हर बॉलर काम तोड़ रहा फार्म के सचिन का बल्ला है। नील में इंडिया पहुंच गई जाको बंजर जाफर क्या हुआ देखो। अरे दद्दा मारी बाड़ी ने ब्यादी रे, बंडो पेरू घांगरो में लाजन मरी रे। ओ बंजर जन, और क्या ए गांव चलो और धंधा कर ले को आगे आगे बढ़ चलो। क्या हुआ? और मुन्ना लाल कैसे देख रहे बोल बोल बोल। दिल्ली देख आगरा देखो, सब ने देखी झांसी। हाँ। दिल्ली देख, दिल्ली देखी आगरा देखो, मैंने सब ने देखी झांसी। ऐसी बलम रे पाले पड़गी। ओ मुन्ना लाल, और जे गुड्डू और ब्रह्मा कैसे बैठे देख रहे मुस्कुरा रहे। मरे 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 मरे, ऐसे बलम रे पाले परगी। हे जयकारी काशी दद्दा, दद्दा मार बाड़ी ने यादी रे, पंडो पे
चूहा खाए दे के पेड़ा खाए कबौना खाई बर्फी लडुआ खाए पेड़ा खाए कबौना खाई बर्फी ऐसे बलम रे पाले पड़गी ऐसे बलम रे पाले पड़गी रसगुल्ला तू चल दी दादा दादा मारी बाड़ी ने आई रे बंडो पे प्यारू धान रामी राजन मारेगा मारी बाड़ी ने करी दी रे बंडो पे रूखा गिरो में आज हम भैया चल बढ़ से आगे आ बढ़ से चल बढ़ हाँ बहन कहो बहन ये बताओ हाँ तुम्हारे पति आ गए अरे हमारे पति आ चुके हैं वो कब आ गए वो तो कल ही आए मेरे ही पति कल आए लेकिन अच्छा? मेरे तो पति कहते हैं कि मैं तो सुबह जाऊंगा सुबह जाऊंगे हाँ। अरे बहन एक बात बताओ तुम आपसे मैं कैसी बात कर रही हो पति पति कौन होते हैं अरे तू हमें कहा बता दे बताओ बहन हाँ बहन हाँ। बुना जानते तू पति पति कौन सी कहते हैं ओजू आदमी क्या आदमी हाँ खसम ना जानते खसम कहते कहते हैं मैं तो जानती नहीं खसम किससे कहते हैं कछु ना जानते बेचारी बालक हो है जे हाँ दूध पिया दिए तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या मेरी शादी हाँ मेरी शादी कब हो चुकी तुम्हारे पलनी पलने में शादी हो गई छोटे पन पर ही अच्छा हाँ एक बात बताओ बहन हाँ कि हमारी शादी हो गई हाँ हमारी ससुराल कहाँ है तुम्हारी ससुराल हाँ। देश नरवर में बहन हमारे ससुराल देश नरवर में हाँ। तो हमारे ससुर का क्या नाम है राजा नल राजा नल और हमारे पति का क्या नाम है तुम्हारे पति का हाँ। बहुत ही ज्यादा सुंदर नाम है अरे बताओ बहन तुम्हारी किस्म बहुत ही ज्यादा अति सुंदर है बताओ तो सही ढोला कुमार ढोला कुमार हाँ ठीक है बहन आज तुमने ये बात बताई बहन जब से मैंने अपने पति का नाम सुना तुम्हारी किस्म शरीर में एकदम ठंड सी लगती है ठंड सी जा रहा हूँ अच्छा तुम्हारी किस्म कैसे कैसे अरे ठंडी चले समीर री अरे उड़े दक्षिण बाचीर री कौन करवी मेरी पति ने आए उठे बिले की और बहन और क्या बहन बचपने और पलनी पलना में शादी वही हमारी है शादी बही हमारी है जब तलक अरे आज तलक अरे पाती तक नहीं डाली है और बहन हाँ बहन हाय दिल में बंद है नदी तुम्हारी तुम्हारी कसम अरे 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 बड़ी जवानी छा लग रही आपको जाके ले हाय हाय दिल में बंद है नदी नैनन बरसे नीर री
कौन करवी मेरी पति न आई उसे फिरे की मौसम देख सुहाना सुध बाल मती देख ले मैं आओ तो सुध आ गरी पति की ए मौसम देख सुहाना सुध बाल मेरे नैनन बरसे मेरी भी और मुन्ना लाल ब्रह्मा जी और गुड्डू मुझे याद तब मेरे पति के मुझे याद आती है हाय नंद बारिश है लीरी री दिल में बंद है ना दीरी गौन करी भी पति ना आई उठे फिरे की देखो ये कौन सो रहे हैं कोई जगह ये कौन है इन्हें देखना चाहिए चल रहे बड़े हारी नींद है तो हाँ बड़ी गहरी नींद में सो रहे ओ ढोकरा अरे मनाना ना टांग पकड़ खींच रहे ना की कड़वा जे छोड़ दे ओह ए बुड्ढे हां मंगियान छे कौन छे किसने कहा था तुम्हें बाग में सोने के लिए ये कौन छे बड़े कौन से कर रहे हैं ये कहते हम कौन से किसने कहा था बैग इस बाग में सोने के लिए इधर आओ चलो ऊपर चलो पहले बहन ये कहते हम बंजारे छे अरे जुला मई रे और गुजारे पर देती बंजर छे और तेरा फूलैया रे बादामी
जान कई है बड़ा देश यारो जान रे बच्चे बगिया मीना परदेसी हम तो जन जाए रे क्या धंधा कर में जा रहे हमें हमें तो छोड़ दे बागने में अरे धंधे के काज परदेसी ने हम तो जन जाए रे परदेश ने हमरी सुनिया रे लगा चारी धर दिया अरे कौन रे गाम के परदेशी रही वे बताएंगे 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 आप कहाँ के रहने वाले हो और बताएंगे तुम पूछोगे ये अरे हमें बताओ तुम हम बताएंगे अरे कौन रे गाम के परदेसी रहवे जनबार है परदेसी आ जा गाम को दियो रे नाम बताए वाले हाँ बहन क्या हुआ अरे गम रे हमारे नारी बारी गड़ी हम नरबर के नरबर के अच्छा ये तो बहन बरार के सिन हमरी सुनिया रे लगा क्या भी धरी टूटी गई बाबा तुम हमें छोड़ दियो जो कुछ गलती हो गई उसको क्षमा करना हमका कोई भगवान के भैया सुनवर छे का बोल 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 अब पहले मारवर छे अब हाथ जोड़वर छे देखेवर छे अरे हाथ तारे जोर की बाबा बिनती तेरी करी नहीं मन्यण छे मेरे बाबा प्यारे दो कर जोरे मारू अरे कई जान कारण परदेश हाथ जान जोरे हमारे हाथ पाए मत कर जोरो हमारे का टूट गया नहीं नहीं बाबा तुम हमें जन्म दिया बोले हो नहीं 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 यार हरे काई जाने कारण परदेश हाथ जाने जो परदेश ने हमको भेद जाने दिया यदि बताए आप कह रहे हैं कि हम नरवर के रहने वाले हैं हाँ 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 आप किसी को जानते हो अरे हमारे हाईवे वाले तो हम क्यों नहीं जानता अरे
काजल जानो बाबा राजा का नलकू ये बुआ हां आप राजा नल को जानते हो? वो अच्छी तरह जानते हो? हां नल जानते हैं। वो रिश्ते में कौन लगे? वो हमारो नाती लगत है वो और नल बुआ उसे कहते हैं बात पाई पी में तकाए बात हां वो पंची लगाते अरे तुम का जन जानो बाबा राजा का नलक जी रे दे तो बाबा ने का साचो तो तैयार में दबाता हमें मारी मारी जब तो मार रही थी हमारे पति के नाती लगे राजा नल तुम्हारे नाती लगे हाँ और उनके बेटा को जानते हो तो पूजा पूजा बोल तुम्हारे को वो कौन लगे? वो हमारा देखो लगता है पोतो। अच्छा ठीक है। अरे राजा जान नल देख हमरो नाती रे लगती मेरी बिटिया हमरी दुनिया रे लगा करी धर ध्यान गलती बन गई बागिया मुझे क्षमा करना अरे जो कछु गलती बन गई बगिया में और मेरे नैनना परस मैं तारी माँ मुझे माफ कर कर दो और आप नरवर में ये मती कहना कि हम मारू के बाग में गए थे मारू ने मार लगाई है। अच्छा और माँ हमारे पति ढोल कुमार से और एक हम पत्र लिखते उस पत्र को दे देना देख लो कहा मतलब के लिए कहा कह रही है हम तुमसे कितनी मीठी बोल रही है, के लिए। है? देख ले माल लगा लिया पत्थर और दिमाग देख ले आजकल जमाना यही है हम पे पत्थर पत्थर चलो ठीक है जो कहेगी हाँ। वही कर देंगे आप मेरे पति को जाकर पत्र दे देना मेरा ला तो हमको दो ये ले जाओ जाओ ठीक है चलो बहन चलो बहन चलो 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 महाराज के जीवन की जय जयकार हो संजीव रहो महामंत्री कहिए महाराज सारे जहान में सेवा के छक्के छूटते राजा नल के सामने शेर भुला जाए शेर भुला जाए आंखें निकाल दू जमीन में पैर मार दो पानी को डाल दो मंत्री कहिए महाराज और अपने राजताज में कोई परेशानी महाराज अपने राजताज में सभी अमन चैन से जीते हैं शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं बहन जाओ कोई नवा समाचार लाओ ठीक है महाराज मैं डोरियों पे जाता हूँ चल अरे भाई कैसे घूम रहे हो कैसे घूम रहे हाँ तुम्हारा क्या मतलब है अरे यार कैसे घूम रहे हो डोरियों पे क्या कारण है महाराज है महाराज हाँ महाराज कचहरियों में अंदर हैं अंदर हैं हाँ हैं बंजारे छे चलवर छे चलवर छे चलवर छे देखिए कहिए हम महाराज से मिलना चाहते हैं अच्छा हाँ। आप यहीं ठहरो खबर कर दो मैं महाराज से खबर करता हूँ अभी जा करके ठीक है
महाराज जय शंकर की। जय शंकर की कहिया मंत्री महाराज। हाँ क्या बंजारा और बंजारेन आपकी डोरियों पर खड़े हुए हैं। बंजारा बंजारेन। हाँ महाराज। कौन बोल? हमारे यहाँ तो लाखा बंजारा आता है। हाँ वही लाखा बंजारा और बंजारेन डोरियों पर खड़े हुए हैं। ऐसा हो बंजारे और बंजारे को दोनों को इज्जत के साथ कचहरी में लाया जाए। ठीक है महाराज। ए बाबा अम्मा आपको महाराज ने और अंदर कचहरियों में बुलवाया है। ठीक है चलो चलो। महाराज जीवन की जय जयकार हो। महाराज के लिए जीवन की जय जयकार हो। कहो भाई बाबा ये बताइए महाराज आप लोग कहाँ से आए उस समय? हम हाँ हमारी बंजारे से पूछो। कौन से कौन से आपने धंधा किया है व्यापार किया है? क्या हमने? हाँ हम तो बहुत बहुत दूर जाते हैं। कहाँ कहाँ गए? बिहार जाते हैं, बंगाल जाते हैं, यूपी जाते हैं। अच्छा हमारे धंधे की कोई संभावना नहीं, बहुत दूर दूर जाते हैं। और तो बताइए हमारे लिए कौन कौन से देश जाते हैं? अब तो हम बहुत दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? ये ना पूछ रहे कहाँ से आ रहे हैं? बताइए बताइए। हम पिंगुल से आ रहे हैं। अच्छा आप पिंगुल से आ रहे हो? हाँ पिंगुल से आ रहे हो? हाँ बाबा आप पिंगुल से आ रहे हो? हाँ आपसे एक बात पूछू। बोलिए। बोलो। ये देश पिंगुल से आए हुए आपके लिए शादी समाचार लाए हैं। क्या मेरे समय ये समाचार लाए हो? हाँ। अच्छा हाँ। तो बताओ। हाँ बोलिए बाबा। हाँ सुनो। अरे मोई कुशलई, अरे बता दे बाबा मेरे बुध का, अरे समाधि की। अरे मैं कुशलई बता दे बाबा बुध कारे समझी की। ए महतारी समझी के कैसे जाने चल रहे पिंगुल में हाल। मौजी है रही मेरे समझी की। ठीक है मजा रही। अरे राजी रे खुशी मेरे महाराज बेजानी रे हम हमारे सभी। अच्छा राजी खुशी थी बड़े प्रेम के दिन कट रहे मंजरे जय। अरे राजी का खुशी महाराजा बे तो जान रहे हमारा सभी। राजा मेरी सुनियो रे लगा कर इधर ध्यान। अरे अरे बहुत तरह दिला में बाबा कुशल रे बताई। कोई कमी ना है मेरे बाबा मेरे दिल मेरे तसल्ली गई है। अरे अरे दादा परवान महाराजा प्यारी रे बहू हमारी बहू ने परवाला किया है। मारू ने तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ में। क्यों ये तो बताऊंगा आपके। महाराजा हमरी सुनियो रे लगा करे पर ध्यान। ये परवाला क्या है? इसमें क्या है?
मिल रहा है सेवा में सिद्ध श्री शिव सिद्ध श्री लिखी पत्नी पिंगुल करके देश नरवर वाले को पहुंची और समस्त कुशवा परिवार के नमस्ते नमस्ते यानी मेरे सबने नमस्ते लिखा है और इसमें लिखा है हाँ। आगे समाचार यह है क्या है हमारे पति ढोल कुमार हमारा घोड़ा करा ले जाएं तो घोड़ा करने नहीं आएंगे आगे तो मैं अपनी आत्मा खत्म कर लूंगी ये लिखा है मर जाऊंगी और गाना कराए लाए प्यारे जन बेटा और गाना कराए लाए प्यारे जन बेटा महाराज सुनियो रे लगाए के ये परवाना कहाँ से लेकर के आए थे झोला भाई गुजारे बाबा तो बाबा करे रे हरि मरी दे बिटरिया बुद्ध का राजा की धंधा करना की जगह पंज नहीं मिले और कुछ नहीं मिला तुमको और मरी जाए बिटरिया बुद्ध का राजा की महाराजा सुनियो रे लगाए के ध्यान ये काल जेवरी भारत बनाए बेटा की और तुमने डारे बदलवा खाए अरे बाबा चल पीने बादल फाल महाराजा सुनियो ध्यान लगाए आपको मालूम है कुछ सिंगल में मेरा बेटा का ख्याल है काल अमित बेटा का भी ख्याल रखेगा महाराजा और सुनियो ध्यान लगाए हमें नहीं मालूम है सो हुई गई है अरे मेरी सुनियो ध्यान तुमने जो किया वो अच्छा किया हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे ढोल कुमार बेटा का काल है पिंगुल में मैं दाने को मार करके और दरवाजे में चढ़वा करके आया हूँ तो हमें क्या मालूम है बात की महाराज हमको नहीं पता था हम तो धंधा करने के लिए गए थे कोई बात नहीं है आप जाइए और मैं ढोल कुमार से आप मत कह रहा इस बात को अरे हम आप जाओ और मैं जा रहा हूँ ठीक है महाराज नमस्ते नमस्ते महाराज नमस्ते नमस्ते महाराज बड़े अफसोस बंजारा और बंजारे नहाए थे ये क्या दे करके गए हैं आपको क्या होता है मंत्री बड़े अफसोस की बात है क्या बात है महाराज ये बंजारे बंजारे आए पिंगुलगढ़ से और मेरे ढोल कुमार बेटा का गौने का पैगाम लेकर के आए मारू ने दिया है अगर ढोलकोर को पता चल जाएगा तो बड़ा अफसोस है इसलिए जाकर मैंने कहा पिताजी के लिए प्रणाम स्वीकार हो नमस्कार बेटा ढोल महाराज कहिए पिताजी आपके कुमार साहब आ चुके हैं ठीक है कोई बात नहीं है क्या बात है ढोल कुमार पिताजी ये क्या तुम्हारे पास ये तुम्हारे लायक चीज नहीं है नहीं कुछ मैं सुन रहा था इसमें कुछ मेरा नाम आ रहा था इसलिए मैं देखना चाहता हूं इसे ढोल कुमार ये तेरे लायक कोई चीज नहीं है इसमें लिखा हुआ है पिताजी सेवा में सिद्ध श्री
पत्री योग्य लिखी पिंगुलगढ़ से देश नरवर को पहुंचे जी, समस्त कुशवा परिवार को नमस्कार। और इसमें लिखा है आगे समाचार यह है कि हमारे पति ढोल कुमार हमारा गौना करा ले जाएं। ये क्या, ये मारू मारू कौन है इसमें लिखा है? ढोल कुमार ये सब बकवास है, तुम्हें अपने स्कूल के लिए जाना तो जाओ, ये पत्र को मुझे दो। नहीं पिताजी, मैं इस पत्र को तुम्हें नहीं दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि ढोल कुमार मारू ने लिखा है कि मेरा गोना करा ले जाए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। नहीं ढोल कुमार। नहीं पिताजी, सुनिए, अरे तुमने झूलमारे गुजारे मेरे पिताजी जा दे सही अरे नारा बार में। तुमने पिताजी मेरे साथ में बहुत धोखा किया है। ए बेटा पत्र जो नकली है ढोल कुमार, नकली ये पत्र है। तुमने झूला मैया रे गुजारे महाराजा देश सही नरवर में, मेरे पिताजी अब तक गोने को छिपाए की ले रखोए राजे। पिताजी मुझे ये बताइए इस गोने का राज अब तक अपने बेटे से क्यों छुपा कर रखा? अरे अरे काल की जेवरी ढोला पिंगुल जान की। क्या काल की जेवरी, मैं समझ में नहीं आ रही। काल की जेवरी है बेटा मेरा ढोला बेटा, महलों में करो अरे आराम। नहीं पिताजी, एक पत्र को बजो। पिताजी आप कहते हो कि तुम देश नर में आराम करो, आराम करो। नहीं पिताजी, बेटा ढोल कुमार से ढोला का ब्याह करा दूंगा। अरे तुमने ऐसी जान चिट्ठिया पिताजी हम तिचो छिपाई। हे पिताजी ये पत्र कब का आया है मुझे मालूम ही नहीं था, मालूम मेरी याद में मर गई होगी। ढोल कुमार इस पत्र के ऊपर बहुत ध्यान दे, तेरे लिए मारू कुछ रही है जो रेवा है हमारी बहू, ये कोई मारू फालू नहीं है जो रेवा के सामने। अरे अब तक छिपाई नहीं ले चिट्ठिया दे सही नरवर में, ए पिताजी ने अपने बेटा को सुनाई ले अब तक ना। अरे तूने अब उन्हें मान जा मेरे कुमार रे लड़हते। ढोल कुमार ये मारू ने पत्र दिया है, ये किसी राक्षस की बेटी है जो अपनी रेबा बहू है, बादशाह ने कुछ नहीं। क्या ये राक्षस की बेटी है? हाँ। अच्छा तो मेरे ढोला बेटा काए पूरे छाने रे जिद्या पली छाने। मानू रे ना है।
नहीं मारूंगा, मेरे दिल में मारू चुभ गई। क्या मारेगा नहीं? इसकी माँ है तुम्हें की, उससे कहूंगा ये रोक है नहीं तुम्हारे। मेरे तन में मारू का मन में मारू और बा मारू में अब बस गए प्राण। अरे आग लगा नहीं जा बंजारे ने, अरे आग लगा नहीं जा बंजारे ने, मेरे करारे नहीं पड़ा। अरे कैसे बल गए पिता हमारे, ए पिताजी बेटा आराम से बैठो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक मारू सिंगुल घर में भटक रही है और जिसका पति यहाँ नरवागढ़ में जीवित है। अरे कब के बाप भी तुम बल गए पिताजी, और मेरी मारू की सुध मैंने लई हथियार। ढोलकर कहिए चलो चालू लिखो रे सिंगुल घर में। अच्छा वहाँ मेरा काय है, सुन लियो लगाई की। अरे दो बेटा मैं कहूँ तुम्हारो नहीं जाएगा। हे पिताजी तेरी जो रेवा मर्द है, अरे मर देखो देखो खोपू नमोपू और पिंगुल गड़कारे बजे तलवार। मेरे बेटा तोरे और समझ आए। ए पिताजी मैं कह रहा हूँ विश्वा और काये को ढोल कुमर छिपकू कर लो। अरे कहतो कोने की आज्ञा दे दे, अरे तेगा तिरे उड़ाए लूंगो अपनो। नहीं मानेगा तू पिताजी, बस आखिरी यही है मेरा कहना कि या तो तुम मेरे गोने का प्रबंध कराओ, नहीं मैं गोना कराने के लिए स्वयं जाऊंगा। ठीक है तू मानेगा नहीं? नहीं मैं नहीं मानूंगा। कहते हैं कि माँ की और बेटा की एक बात दूसरी होती है। कदाप नहीं पिताजी, तुमने बहुत गलत काम किया है। रानी तुम्हें दीदा कहूंगा तो ऐसे अपने बेटा को रोकेगी? नहीं तो ढोल कुमार मार जाएगा और जान से मारा जाएगा। देख लो पिताजी, ये ढोल कुमार नहीं मानेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। ढोल कुमार जिद में कोई फायदा नहीं है। ठीक है तुझे जाना है तो बेशक चला जाना, एक जाकर के अपनी दुमहती से कहूं नहीं से रोक ले। क्या कमे यानी घुमा सुल्ताने को चुनवा करके आया हूं दरवाजे में कि जिस दिन तेरा ढोला गोला करने के लिए आएगा उसी दिन मुझे और गिरना है। चलो भाई यार, पिताजी नहीं आज्ञा देंगे तो मैं माँ से जरूर मशवरा लूंगा, यार माँ नहीं भेजेगी जब कोई उपाय करूंगा। मैंने कहा माताजी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भाव मेरे लाल। बेटा ढोल कुमार कहिए माताजी, ये बताओ आप स्कूल से पढ़ के आ गए? हाँ माँ मैं पढ़ के आ गया। बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी माँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक चल रही है? हाँ। कोई कमी तो नहीं है पढ़ाई में? कोई कमी नहीं है, कमी है जो कुछ वो ये है। क्या? ये देखिए मेरे गोने की चिट्ठी आई हुई है और पिताजी ने इसे छुपा करके रखा है। पति महाराज को मेरा क्या? संजीव रहो, इसे रोको, ये तेरा अकेला बेटा है। ये बंजारा ने आकर के पत्र दिया है, मुझे मानेगा नहीं, जिद कर रहा है, ये तो रोकने का काम है। ये पत्र बंजारे ने दिया है और ये इसकी हाथ कैसे पड़ गया? ये मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे इसके आते ही स्कूल से छिला लिया पत्र। स्वामी ये तो बड़े गजब की बात है। समझाओ प्रिया से। अगर ये गोना करने जाएगा तो स्वामी उस समय की याद कर लो जिस समय हम तुम ओखा में गए थे
और कुलवारे में हम तुमने दिन बताए थे स्वामी, और बचपन में पल्ली पल्ला में इसका क्या किया था? रानी मालूम होना चाहिए कि जिस समय हमने इसकी शादी की तो हम घूमा सुल्ताना को दरवाजे में चढ़वा करके आए थे। हाँ स्वामी। और उसमें शर्त है कि जिस दिन राजा नल तेरा ढोल कुमार घोड़ा करने के लिए आएगा उसी दिन मैं टूटूंगा। अकेला बेटा है, ढोल कुमार घोड़ा करने के लिए जाएगा मारा जाएगा तो देश भर का नाम घूम जाएगा। स्वामी आप ऐसा करो, समझाइए से। आप आराम से बैठिए, मैं बेटा ढोला को समझाऊंगी, मान जाएगा तो। क्योंकि मेरा अकेला ही बेटा है और दूसरा है नहीं कोई। ये रोकने का काम है तेरा प्रिय। ठीक है स्वामी, तेरा बेटा है, जो आपकी मर्जी, जैसा आप कहोगे तैसा ही मैं करूंगी। रोको इसे, कैसे भी कोशिश करूंगी स्वामी। क्या है, क्या समझाऊं तुम्हारे लिए? आप जा सकते हो, बेटा ढोल कुमार आता होगा मेरे पास और मैं उसी को समझाऊंगी। अरे तूने समझा ले ठकुरानी अपने ढोल रे कुमार को। वाला है क्यों? जुलम रे गुजारे बलमा पई जा रे नहीं। न मालूम कैसा हो धंधा करके लिए पहुंच गए। पत्ते नरवरा मारे के तरे कहीं ना रे मो पई जा। उसमें ये सच लगी हुई है। हाँ महाराज। जिस दिन ढोल कुमार आएगा उस दिन टूट जाए। और सड़क लगी आई दरवाजे में बलनी बेचारे दुखे भोई ना। समझाओ कैसे भी। अरे लचक करी यारे भरता स्वामी। ये बंजारों जुलम गुजार दिया। अरे मेरे क्या है। अरे लचक करी यारे भरता मेरी इकली डरैया देश नर पर मैं। सही बात है। अरे बलमा दूजो जन्मो नाही। क्या है। अरे मैं मर जाऊंगी मगर बेटा के। अरे बलमा जिंदा रहूंगी नाही। बड़ा सोच की बात है। अरे रानी मेरी प्यारी तोय रे और समझाई
जो मर जाएगा और इन ढोलक स्वामी अगर बेटा सब कुछ हो गया तो मैं नरवर में जिंदा नहीं रह सकती। तुम कहते हो कि यानी गोना कराने जाएगा, मैं उसको रोकूंगी। सब बोलने वाला है, ठीक है मैं उसको रोकूंगी। मेरी बिहाता बेटा नहीं हो समझ आए। अरे गोनो करवे न जाए और नहीं कोई बने ना थपला। सनी क्या है? ठीक है मैं उसको समझाऊंगी, अगर मान जाएगा तो मान जाएगा, हाँ। और नहीं मानेगा तो मैं बहू रेवा से कहकर समझाऊंगी। हाँ उसे समझाओ कर। हाँ ठीक है, वो आता ही होगा, देखना चाहिए आता जी ने कुछ सोचा या नहीं। और दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, इस जमाने को क्या हो गया, और जिसको देखा था वो बेवफा हो गया। मैंने कहा माताजी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो मेरे लाल। हे माँ। धोर कुमार तुम आ गए, आप सुस्त क्यों हो, क्या कारण है, उदासी क्यों है? बेटा मेरे सुस्त हूं उसका कारण मुझसे मत पूछिए मेरे लाल। बताइए माँ। आज मैं कहती हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं गोना करने के लिए जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, आप ऐसा मत कहिए मुझसे। नहीं माँ, आप गोना करने मत जाओ मेरे लाल। मैंने तुम्हें ना मालूम कैसे कैसे पाला है और कैसे कैसे बड़ा किया है मेरे लाल। नहीं माँ कुछ नहीं मानूंगा, ये तो हर माँ का फर्ज होता है। नहीं बेटा, हर माँ पालती अपने बेटे को। मैं गोना करने जाऊंगा। नहीं बेटा। नहीं माँ मेरे लाल नहीं, नहीं आप गोना करने मत जाओ मेरे लाल। मैं क्या कहूं तुमसे, अरे बड़े अरे दुखत मेरे बेटा, तुम कूजर जाली पालो। मैंने तो पालो। माँ कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे बेटा तेरी मैया का रही अरे ताम जा। जोरी मेरी जननी कर रहे हो मैं विनती। नहीं मेरे लाल। हे माँ तुम्हें अपनी छाती से दूर नहीं होने दूंगी मेरे लाल, तुम ऐसी बात मत कहो मुझसे। चारे हाथ का जोरी मेरी जननी कर रहे हो मैं विनती, मैं तारी के बेटा गोनो रे करन कूद पिंगुल जाए। नहीं मेरे लाल। माँ मैं नहीं मानूंगा। बेटा मेरे लाल।
नहीं रखो। अरे बचारा मैया बचारा, मेरी एक भी डरैया तू का नरमरवई। माँ कुछ नहीं होगा मुझे, आप में नहीं जाने दूंगी, मेरे नाम तुम मत जाओ बोना कराने के लिए। तुम्हारी रेवा जो बहू है, तुम गोने की क्या चिंता है? मुझे रेवा कुछ नहीं अब दिखता है माँ, आप चिंता न करो। अरे बचारा मैया बचाई तेरी जान। माँ कितनी, अरे जो तुम जाओगे रे गोनो रे तरन कऊ। अरे बेटा मैया रही रे समझा, अरे बड़े रे दुखन से तो मैंने पालो। अरे बेटा कहता रे कहिया नहीं गया है। अरे सूरत सती रण पे चढ़ के जीबे की आस करे कबूना। अरे सूरत सती रण पे चढ़ जाए जीबे की आस रे करे कबूना। और जे ही काम इन मर्दन के मुख से कह के बग दे कबूना। मेरी जलनी तेरो बेटा रुखे गोना। अरे बेटा मैया तेरी रे बचेगी नाय। माँ कुछ भी हो जाए मैं गोना करने अवश्य जाऊंगा। तेरो कालू लिखो है पिंगुलगढ़ में। मेरा काल? हाँ तेरे पिता ने चूड़ा मंदाने को मार करके और दरवाजे में चिरवा दिया, और उसने कहा कि जिस टाइम तेरा ढोला गोना करने आएगा तो मैं उसके ऊपर खिंच के गिर जाऊंगा और उसे मार दूंगा। उसी दिन का मुझे अफसोस है कि तू जाएगा गोना करने तो दरवाजा तेरे ऊपर गिर जाएगा मेरे लाल। क्या दरवाजे में शर्त लगी हुई है? हाँ। तो मेरे ऊपर ही गिरेगा, तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। नहीं माँ ऐसा सब गलत है, कुछ नहीं होगा। तेरा कालू लिखो है पिंगुला कड़ा में है। अच्छा अरे मैं तो ही रही रे नामा। अरे लाख बार माँ तू समझियो माने वो ना है तेरी जी छैया। अरे कितनों कालू लिखो पिंगुल में मेरी लाज रखेंगे बुगरुण चढ़िया। अरे मैया गोनो करवे पूजा मेरे सुवना संग में जाए गो नर वरते। मानोगे नहीं और मैं तो करहा सजाए किरे अपनो। माँ कुछ नहीं मैं जाता हूँ, मैं आप जिद कर रही हूँ मैं नहीं रुकूंगा। नहीं रुकोगे मेरे लाल? नहीं मैं जा रहा हूँ। हे माँ मैं जाता हूँ मैं नहीं रुकूंगा। नहीं मेरे लाल मैं नहीं आने दूंगी तुम्हारे लिए। तेरे पीछे मैंने बड़े बड़े दुख भुगते हैं और न मालूम कैसे कैसे दुख और कैसे कैसे तुझे पाला है। अरे गीले में सोई मैंने सूखे में सुलायो हो बेटा। हे माँ तेरे पीछे मैंने क्या क्या किया। जीने में सोई मैंने सूखे में सुलाए हो। अरे भूखा लगी तो मैंने अलचल सोई प्याई हो। बेटा तुम घबराओ
घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। अरे बाबा की परो चाती सिटी पर आई हो बेटा। सही है माँ, तू जिस वक्त यानी सोते में बाबा की परो चाती सिटी पर आई हो। अरे बचारा, अरे उठते पेटते हूँ का। कुछ भी हो माँ मैं मानूंगा नहीं। अरे सुन सुन बानी रे प्यारी महलन में, अरे मेरे होता जिगर के चाचा। माँ तुम सबर करने ला अपने दिल में कि मेरे बेटा जन्मा ही नहीं था। नहीं मेरे लाल, मैं कैसे सबर करूंगी। नहीं मैं नहीं मानूंगा, जा रहा हूँ। नहीं मेरे लाल, आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं मैं जाऊंगा माँ, रुक नहीं सकता हूँ। ठीक है मेरे लाल, नहीं मानती तो जाओ। मेरा बेटा भी चला गया, चलती हूँ। मेरी बहू है, मेरी बहू है रेवा, उससे जाकर के कहूंगी। वो बेचारी समझा सकती है क्योंकि उसका पति है, वो अपने जाल में फंसा करके उसे नहीं जाने देगी। चलना चाहिए। मेरा क्या माँ के लिए प्रणाम। बहू रेवा कहिए माँ, बड़े गजब की बात है आज। इसलिए भी जाना पड़ा है तेरे मेला में। क्या बात है, आज तेरा पति तेरे हाथों से जा रहा है, उसे तुझे रोकना है तो रोक ले जाकर के, और नहीं तो मैं निपुती हो जाऊंगी। नहीं माँ, और तू राण हो जाएगी। माँ कहाँ पर है मेरे पति। वो गोना कराने के लिए जा रहा है पिंगुलगढ़ के लिए। मैंने बहुत समझाया मगर एक बात नहीं मानी मेरी। जाने के लिए जिद धर रहा है, तुझे रोकना है तो रोक ले। वो रास्ते में ठीक है माँ, कहीं जा रहा होगा। आप आराम से बैठिए, मैं समझाऊंगी उनके। बहू रेवा प्यार से अदा से तेरा पति है, ठीक है माँ, उसे समझा दे कि गोना कराने मत न जाए। ठीक है माँ। अच्छा है, ठीक है मैं जा रही हूँ। आप आराम से बैठिए। हाँ दोस्तों, सभी एक साथ मिलकर के दुर्गे माँ का जयकारा बोलें, जिससे कि आत्माओं को शांति हो। बोल दुर्गे मैया की। प्यारे भाइयों, नेम सिंह एंड पार्टी त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से पेश करते हैं वीडियो एवं सीडी। दोस्तों सभी कलाकारों की आवाज में सुनेंगे प्रोग्राम मारू का गोना। अरे कलहारे सजा दो बादना, जान दे सही अरे नहर भर में। आइए के सुनैया
करन कू करन कू जाए। चलो आइए ए भैया सुहा महाराज, जब से मारू का मैंने पत्र पढ़ा है, जब से मेरे चले जाने पार निकल गई है। अच्छा महाराज, तुमको तेरे करण कोने मोखो लाए। आइए पढ़ाओ, घुमा कि नहीं घुमा करो। और मेरे तन में मारू, मेरे बेटा मन में मारू। मेरे तन में मारू, मेरे मन में मारू, और बा मारू मेरे बसे मेरे प्राणी। अरे तुम्हें भैया चलो आइए। सुन लो ध्यान लगाए, अरे जरा बेटा रे नाल था कुड़ को, और कैसे करा पह गया रे हो। चलो बढ़ाओ। मैंने कहा पति महाराज के लिए नमस्कार। महाराज नमस्कार। अरे ये रेवा पति, तुम कैसे आई हो? पति महाराज आप कहां के लिए जा रहे हो? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं जा रहा हूँ गोना कराने के लिए। पति महाराज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? इधर आइए। कहिए क्या बात है? देखिए मेरा करहा सज चुका है, मैं रुक नहीं सकता हूँ, तुम्हें कहना है जो कुछ कहो। सुनिए महाराज, अरे जाना नाए दूंगी मेरे हीरा नारवार बारे। ए भैया तोता महाराज, जब पिताजी के पास गया तो पिताजी ने ये बात कही कि मैं जाने नहीं दूंगा। अच्छा, और माँ ने भी कहा कि मैं जाने नहीं दूंगी। कोई कहानी है, रेवा लेकर के खड़ी है, समझा दो। जाना नहीं दूंगी मेरा सजना देश नारवर के, मेरे बल मन गीना कहती रे बिहाता त्यागीला। कहिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लाख समझ आइयो तू रे बा अपने पिया को। हेलो नहीं पति महाराज, इनको समझा दो आप गोना करने के लिए जा रहे हो, जल्दी तैयारी करो। अरे लाख समझ आइयो मेरी प्यारी अपने सजना को, मेरी प्यारी के कढ़ा मेरो अरे रुखन कोरे है तुनाए। आइए अरे पति महाराज, आप कहते हो कि मेरा कढ़ा सज चुका है, मैं गोना करने के लिए जाऊंगा। मैं गोना करने जाऊंगा जाऊंगा। अरे मुख की जवैया मुख मई दवाले हो। पति कोई पता नहीं है, एक बात आई है कि मेरे बाबा ने जब 101 शादी की 100 रानी थी, अरे हमारे राजशाही दरबार में चला आ रहा है, हम भी दूसरी रानी लेने नहीं जा सकते। नहीं स्वामी, अरे कहना मान जाओ बल मरे हजारी, अरे मेरे लाश करी यारे भरता। चलो बढ़ाओ।
तुम हमें समझ आओ। हमारी शादी करके लाए थे तो किस लिए लेकर के आए थे, और आप दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। देखिए रेवा, आप कितनी भी कहो लेकिन मैं मान नहीं सकता हूँ। अरे लाख कई बार तुम हमें समझ आओ। मेरी सजनी ढोला रुके गोरे नाए, अरे हाथ जोर की विनती कर रही। तुम्हें क्या चिंता है, हाँ देखिए वो मारू आएगी तुम्हारी शहर चाकरी करेगी। नहीं स्वामी मुझे नहीं जरूरत है। प्यारे हाथ जोर की विनती कर रही, अरे मेरे बलमा भरतार। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। मेरी देवा तूने सुनियो ध्यान रे लगाए, अरे मेरे लसकरिया रे भरतार। देखिए हर औरत का ये फर्ज होता है कि जिस बात से उसका पति पसंद हो वो सही होना चाहिए। नहीं स्वामी। अरे मेरे लसकरिया रे भरतार, अरे कहनो मान जा बल मरे हजार। नहीं मैं नहीं मानूंगा, रुक नहीं सकता हूँ मैं, आप कितनी भी कहो। अरे मेरे नरवर के रे सरदार, पति देखी नार तो वही है नार, नीचे कू नवाए चले के आठों घंटा पति की बजावे ताबेदारी को। के बुद्धि बल ही न चाहे बिल्कुल निरही न होए, के दुख सुख सही जाए खोटे बेनगारी को। के पति की ही निंदा करे धीर बोले होल चले, के हिल मिल काट डाले सारी लाचारी को। और कैसने मसीह जाके मन में ऐसी भावना, के पति के प्रसाद मिल, के पति के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। देखिए ये औरतों के धर्म होते हैं, मैं जा रहा हूं इसलिए मुझे जाने दो। नहीं पति महाराज। अरे डर भमरिया दीन रे बिगाड़ो। अरे तोता चलो। अरे डर भमरिया दीन रे बिगाड़ो, अरे बरना छोड़ी रे दीन किनारे। देखिए तुम अरे बरना कह रही विश्वादी, अरे जो तुम नहीं मानो देख मेरी तेगा से उड़ाए लू अपना। कुछ भी करो मैं जा रहा हूँ। महाराज मेरे पति ऐसे नहीं रुकेंगे। नहीं कुछ भी दारू के नशे में करना चाहिए। लीजिए महाराज। क्या है ये? ये शराब है। शराब मैं नहीं, आज नहीं पीऊंगा मैं। पियोगे कैसे? नहीं नहीं पीऊंगा। थोड़ी सी पी लो। तुम नहीं मानोगी, मुझे नशा कराना चाहती हो? हाँ महाराज। किस सरकार ने क्या लिख दिया सपीने में कि शराब पीना नहीं जाने तो धिक्कार उसके। तुम भी पियो। क्या मजा देती है कि क्या मजा देती है थोड़ी सी जिंदगानी में कि दुनियादारी बह गई इस बोतल के बंद। कि सब तो मिला के पीते हैं और ये पानी शराब में
कि मैं तो मिला के पी गया और मैं तो मिला के पी गया और ये जवानी शराब में सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। लो तुम भी पियो, मैं आप भी पी लीजिए मेरी जिंदगी। कि मंदिर में जाप करता हूँ कि मंदिर में जाप करता हूँ मस्जिद में जाप करता हूँ यारो बुरा न हो जाए ये थोड़ा सा पाप करता हूँ और ये यारो बुरा न हो जाए थोड़ा सा पाप करता हूँ। और क्या पसी? और बिकसी सही मगर इसे पीता हूँ शान से पी कर के ऐसा लगे मैं जीता हूँ शान से सबको मिला के पीते तो तुम भी पियो। कि किसी को मजा आता है कि साकी के मैं खाने में और किसी को मजा आता है पीकर कि मासूक के घर जाने में कि किसी ने कहा है ये पीना बुरा है और लेकिन मैं कहता हूँ कि बिना पिए मेरा ये जीना बुरा है और ये सब तो मिला के पीते हैं और पानी शराब में और मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में। है मुझे नशा हो गया और ये रेवा अपने मुंह में मेरी उंगली देकर सो रही है मैं कैसे जाऊं इसे धोखे से निकलना चाहिए। प्यारे भाइयों ढोला अपनी उंगली पर उस दिन एक प्लास्टिक का खोला चढ़ाए हुए था इसलिए वो उस खोला को उसके मुंह में छोड़कर चला जाता है। तोता भैया चलो चलिए चलो चलो सजाओ कड़ा को। बोलिए तैयार हैं। और मेरो कड़ा अरे कले चल मेरे भैया अब पिंगुल पिंगुल गड़कू। चलो भैया अरे तू ले चल रे भैया पिंगुल देखे गड़कू मेरे तो तारे भैया मारू को में गोनो रे लाऊ कराए। चलो भैया तो अरे तेरे रे करन कोर था करा मोको हतुराए। देखिए यार नहीं पहुंचे तो आत्महत्या कर लेगी मारू। चलिए महाराज ठाकुर तुमका फलकी रे लगाइयो ना बिल्कुल तेरा। चलो चलो
की नरा मरे जांग पहले मारी अरे जाया जी ढोल कुमार बिहारी अरे जाने पलकी नाए तेरा लगाई करहा नरबल ते दयोरे उड़ाई चलो चलिए हम करिए अब मेरे ठाकुर तुम्हें पूरा रे तुम जाए चलो भराओ आगे अरे करा सजा दो रे ढोलर रे कुमार ने और कहते आगे पूरे भर के आइए महाराज आजा आइए चलो ना उतारो हाथ मेरे पति अरे ऊपर डोरिया मैंने तो सोचा था कि नशे में ये सो जाएंगे मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हाय भगवान भगवान मेरे पति कहाँ गए अरे कितकू अरे अरे कितकू अरे चले गए मलहीरा नारवा रबारे तू चले गए हीरा नारवा रवारे मर बल मन की ना पता रे चले जा मर जाए हाय भगवान मैं तुम्हारी आस कर रही थी नवालू कहाँ चले गए अरे लाई रे मरेगी बरना तारन जन प्यारी मेरे बल मंडगी ना रानी रे मिलेगी तुमकू नाई हाय बाबा मैंने तो सोचा था कि दारू के नशे में सो जाएंगे
लेकिन वो तो खुद ही निशाने करके चले गए। अरे कर्म करे सो करे नहीं कोई, अरे कर्म की गति न्यारी न्यारी होई, अरे कर्म करो बालन का पतिनी सोने की लंका चलंकन कोई, अरे भी सब जा दसा शीश कटे की भरी नारी मदोदरी रोई, अरे कहती मदोवरी सुन पिया रावण करम करे सो करे नहीं कोई। हाय भगवान अरे बरना रानी मिलेगी नहीं, अरे प्राणी गमले सीसरे महल में मुपे कहता कहीं नहीं नर बरिया। हाय भगवान स्वामी कहाँ चले मेरे स्वामी। हाय भगवान अरे भैया तोता महाराज चलो ऐसा जल्दी कड़ाह को ले चलो। कड़ाह तैयार है अच्छी तरह से गोना करने के लिए चलो। अरे कड़ाह का नचावे ढोलरा हमें गोने के काई, कड़ाह का नचावे ढोलरा हमें गोने के जावे, करहा का नचावे बेटा रा हमें गोने के कानी। चलो चलिए भगवान मुझे इनकी पिछाई करनी चाहिए, कहाँ के लिए गए। बचपन को जाते हमारो यारानो भैया, देखिए चलिए महाराज हमारा तुम्हारा तीनों का एक ही प्लान है, हम तुम एक से जुदा नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। पिंगू गए जाए कि बेटा तो कुबरे नचाऊं मैं तो। हाँ प्रिय दोस्तों इधर में ढोल को कड़ा सजा करके और किस प्रकार से आगे की चलता है तो आकर के पीछे से रेवा और ढोल कुंवर का कड़ाह का पूछ पकड़ लेती है और किस प्रकार से ढोल कुंवर से बात करती है। अरे सेंगर जैसा सुनी के ऐसे समझा में भैया सेंगर, अरे मन करना चाहिए मेरे यार रे भोला के साई, लगता है मेरे पति वो जा रहे हैं पकड़ना चाहिए आगे। महाराज ये कड़ा कहता है, कड़ा कहता है इसे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। चल नहीं रहा कड़ा, क्या बात है इसकी पूछ पकड़ लिया है तुम्हारी रेवा मारू ने, रेवा ने इसकी पूछ पकड़ लिया है। हाँ भाई क्या करूं ये तो रास्ता में कड़ा चलता नहीं है। अरे कड़ा मोकू दियो रे यतन बताए, इसका यतन मैं बताऊंगा। कहिए भैया मेरे भैया दियो रे यतन बताए, अरे जा रे बाके आप चक्कर में और मेरा गोनो रे होन को रे भैया। चलिए अरे भैया महाराज तुम कहते इसमें पूछ काट दू कड़ा की और क्या, एक दो तीन चलो पूछ काट रही ढोला कमर ने बढ़ाओ। अरे कहती कड़ा रे दया रे बढ़ाए,
घड़ी गुजरी। अरे ना घड़ी गुजरी रे ना पल बीते और आगे तू कड़हारे गयो बड़ाए मेरे भैया। अरे तुम्हें कूड़ा समझ आए। चलो भैया बढ़ाओ आगे। और वो ढोला जा रहे हो तोता जा रहा हो और कैसे आगे कूड़े रहे को आइए महाराज। अरे मालिक चोरी जी बता। हाँ मैं माली और मैं बापू को नाम मालिक के। हाँ मालिक के। हाँ अम्मा कल्लू की कक्का। चोरी जी बता काऊ के नाई माली ने। अब देख सुने बाबू सु को यह रोए। देखो बाप की तो रखवारी करी रहे हैं। हाँ और ये बात बगैर पानी के सूखा जाता है। हाँ। अब ऐसे करो तुम। हाँ। डुगरी चलाओ तुम। हाँ। और पानी लगाऊंगी मैं। तू पानी लगावेगी। हाँ। और ढेकरी चलाऊंगो। हाँ। तो पहले पहले कर धल ले। बूढ़े है गए। देख सुनी बड़ा बूढ़े है गए। हाँ। तुम्हें शर्म लाया पति बता। मैं तो बूढ़ो है गु मेरा मन तो ना बूढ़ो। कहा करेगो हैं? कहा करेगो तू कहा करेगी कहना रहे हो कदल ले। हाँ कहा कदल ले ऐसो करी। हाँ तू तो मुंह में घुस जा और मैं तो में घुस जाऊं। अच्छा सुने। हाँ एक ही बोल गाऊंगी। हाँ देख सोई में काम एक पोता कोई देख। हाँ तेरे राज में मैंने सुखना पा कबू। चोरी जी बता कहा परेशान रही है मुझे तेरे तेरे राज में। हाँ न कबू चूड़ी पहनी मैंने। अच्छा तो कैसे ना चले आई ऐसो कर सुने। हाँ अरे ना सुख पायो अरे पिहारा तो मैं बस की ना सुख दी। अरे कबू न पैरी में हरी हरी दुनिया हरी हरी चुनिया। अरे कबू नचपनी में हरी हरी चुनिया हरी हरी चुनिया। अरे चूना पीनी तीन हरी हरी चुनिया हरी हरी चुनिया। अरे कबू न चाली कलाई मुली मुड़ी के नाई अपना आगे लागू अब ऐसा करें टाइम ना रहे हो बाप सूख जाए वो। और यहाँ को राजा। हाँ। और बुनाए बेटी। हाँ। मारवे। हाँ। मार लगा लगा के सब खा रही देखो ऐसा करे पानी लगा मैं ढेकुली चला रहा हूँ मैं पानी लगा रही हूँ पानी लगा। हाँ चले चला चले जल्दी करे। हाँ। ए और मैं पाई लगा रही हूँ। हाँ पाई लगा में रोस रोस में पाई चलो जाएंगे ऐसा करेगू। हाँ अपनो मोहारो करो करवाई लीगू मोहारो फूटीगो। हाँ तो पाई बहुत बहुत डोले भरा मैंने बहुत पुख्ता करवा दियो। हाँ तू बड़े को पाई भरा भर के फेंक दियो। हाँ चले चला जल्दी। हाँ। ला मैं पाई लगा रही हूँ। अरे भैया तोता हराज करा बहुत प्यासा है। करा प्यासा है करा को यहीं रोक दो पानी लेने के लिए हम तुम चलते हैं पानी फूट जाए। चलो आइए।
अरे बाबा राम 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 भैया बाबा राम 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 भैया राम राम साहब राम 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 का है कि ये राम राम होने के पीछा में तेरी भैया ये बताओ अरे राम राम की जाती है क्या कह रहे हैं जी आदमी कोई चोरी जी बता जो राम राम कर रहे हैं राम राम हाँ जो राम राम चो कर रहे हैं जाने चो कर रहे हैं क्यों भैया जी बताओ पूछिए पूछिए राम राम हम तो क्यों कर रहे हो पूछिए हम जो कर रहे हैं हाँ हम इस बाग में पानी पीना चाहते हैं क्यों भैया माली तुम माली हो कौन हम हम बागवान हैं अरे तो हाँ माली कहते हैं बागवानों से हम जी हम तो माली न के बहनोई अरे जब भी माली हुए चोरी जी बता हाँ हम तो मालिनों के बहनोई तो माली भाई हमाली भाई तो हम ना है माली के बहनोई कौनो हम मालिनों के सारे तब भी माली हुए जमी आगे लग गई चोरी जमी कैसे आगे लग गई माली के तुम साले अब तो माली हुए अच्छा जी बात कोई रिश्तेदार हो तो बे मतलब माली माली होते अच्छा जी बताओ सुनो इधर सुनो ये बाघ किसका है जी बाघ देखो जी बाकी मोह ना चले और चले तो बताए ना अच्छा उनको पता है कैसी बात करने वाला तो बात करेगा पता सब हमें उनको नहीं पता है मालिन को पूछेंगे आप अच्छा ये बताइए तुम मालिन हो हाँ मालिन तो बहुत खराब है तुम्हारा अरे मालिन तो बिल्कुल कोई माली है जी इधर आई है सोसाइटी में चौधरी को बोलूंगा जी बताओ ऐसा करो जहाँ में है की बात कर लू जहाँ में अरे ये क्या चीज है जी हाँ देखो जी एक और तार घर जहाँ में तार कर दे जहाँ में समय में चलो जाएगी बात हो जाएगी अरे जहाँ में बात ना होगी और अरे ये तो खाली तार है हाँ तार हुए वहाँ में करंट होता है बिजली का और सीडी यही बन जाती है ना तो उसमें करंट होता है बिजली का तब यानी चलता है अच्छा जो करंट कहाँ बिजली को ये बताइए वाले हाँ ये बगीचा किसका है ये बगीचा राजा बुद्ध का है राजा बुद्ध को राजा बुद्ध का है हाँ तोता अराज तो ये कंपलागढ़ का बगीचा राजा बुद्ध का है हाँ इस बगीचे में है कोई अरे हम ही है बगीचे में मालिन हम ही तो रहते हैं और बाघ को रखाते हैं और मौज बनाते हैं और कोई आता जाता है इसमें इसमें हाँ उनकी बेटी आती है कब आएगी वो भाई कार चांद अब चली जाए उनकी बेटी आती है मारवे अच्छा हाँ। उसका नाम है मारवे 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 मारू मारू से कहते हैं मारू मारवे के मरवा बेचे मारवे 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 हाँ वो बाग बगीचे में है नहीं उनका टाइम है आने का आने का टाइम है और क्या टाइम है चलो ऐसा करो परचेजी तुम चले जाओ यहाँ से क्या हो ये जाओ क्या वो आती हो चलो आराम आज इस बाग में रुकेंगे हम वो ना 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 नहीं नहीं जाओ ना ना चले जाओ नहीं रुकेंगे आज कहाँ जोड़ रहे हैं नहीं इसी में रुकेंगे हम और ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो हम हाँ हम तो बता सकते हैं इन्होंने अपना पर्चा ले लिया हाँ इनका पर्चा नहीं लिया हमने पर्चा मुझे नहीं अरे पर्चा पूछ रहा है इनका एड्रेस अच्छा एड्रेस गाड़ी एटलस नहीं ये तो नंगे पैर अरे इनकी अरे जाओ अरे जाने आएंगे मेरे बाबा और देश सही अरे नारा भर के हम नरवर के रहने वाले हम नरवर के रहने वाले नरवर के रहने वाले पश्चिमी दिशा में तेरी माँ को लंगड़ मार हम का जाने आगे मेरे बाबा के सन्हारा बड़के मेरे बाबा देखो यहाँ पर करेंगे रे बिसरावो तुम का जान जाना रे कहियो काऊ राजा को महाराज नरवर में हाँ किसी राजा को जानते हो हाँ हम क्यों नहीं जानते नरवर के रहने वाले कहाँ के रहे वाले नरवर के हो बताएंगे अरे तुम का जान जाना परदेसी माँ के राजा को परदेसी हमको नाम तो मदियो ये बताए
के राजा अरे माल ने सुनियो लगाए के काम हाँ कही जा रो और राजा किसके राजा का नाम पूछ रहे हो हम बताते हैं तुम्हें हाँ अरे माल ने तुम्हें रहे रे समझ आए अरे नरवर गढ़ के बोनल है राजा जो अपनी राजा की बेटी नहीं है बचपन में शादी की थी ये वही के रहने वाले हैं। अच्छा मेरे बाबा कईयो भेद बताए तुम वही के रहने वाले हो हाँ वहाँ के नरवर के यहाँ क्यों मरे में आए हो अरे लड़के बेटा जी ढोल रे ये ढोल कुमार भी हाँ उनके सब पुत्र आया नल के ढोल कुमार ये ढोल कुमार भी और ओ बाबा सुन ले ओ कान लगाए और ओ आगे बेटा रे ढोल रे कुमार है और यहाँ पे आज भी करेंगे रे सा विश्राम करेंगे चलो विश्राम करेंगे इस बार में चलते एक बार सुन लो तुम ज्यादा बोलते हो आदमी काय को बोल दूं तुम्हें अभी पता नहीं है मुझे काम आदमी के देश नरवर में हाँ जो उनकी लड़की नहीं है मारू मारू हाँ पल्ली पल्ला में शादी की अरे भाई उन्हीं के घर वाले आ गए ढोल कुमार अच्छा बे जो इतने से देखे काय हमन तुमने अच्छा अब देखियो कितने बड़े है गए अब तो जी पर्वती मुंह से उसे है गए लला ढोल कुमार में जी हाँ ये है हाँ हमारा ही नाम ढोल कुमार है ये ही भेने को लंगड़ मार अरे गाली देते हो हम काय मारी दे रही हम कछुला कह रही बड़े बूढ़े आ गए तुम्हारा नाम ढोल कुमार है हाँ आज यही रहेंगे अच्छा और सुबह जाएंगे ठीक है रहो ठीक है रहने दो कोई बात नहीं हाँ इनके ससुर का बाग है हाँ ठीक है इनकी यानी वो घरवाली हो गई सही बात है कोई बात नहीं चलो आराम रहो भैया चलिए महाराज अगर हम तुम मार के भगाएंगे हाँ तो महाराज हमें तुम्हें फांसी लगवा देंगे ये उस महीने मन जान दे हाँ बिल्कुल नहीं ऐसा करे क्यों मालिन नहीं आप मीजू अलग सोंग जी ने अलग संदीप क्यों 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 बागो ना करते हो बाकी रोशन फोड़ आ रही जी ये बाबा तुम ज्यादा बोलते हो अरे हम खट्टू ना कह रहे एक्स्ट्रा ज्यादा बोलते हो ना ठीक है तो आराम से रहो तो बाग में ठीक है हम बाग में आराम मारू सहेलियों के साथ बाग में झूला झूलने आ रही होगी चलो तोता चलो अंदर चलते हैं ए सुनो हाँ इनको तो हमने पीछे लगा दिया अब चलो चलते हैं हाँ पिंगुल करके लिए हाँ और राजा बुद्ध से राजा बुद्ध से जा करके खबर कर दे कि तुम्हारे दमाद आए गए जी बात है चलो चलो आ जाओ अब चलना चाहिए पिंगुल के लिए राजा बुद्ध के पास तो हम जा रहे हैं राजा बुद्ध के पास में हाँ चलो दरबार में चलेंगे चलो देखो सुनो दरबार में देखेंगे क्या हो रहा है हाँ आ जाओ तमाशा होने वाला है तमाशा होने वाला है कोई हंसने वाला है कोई रोने वाला है महाराज चलो मंत्री से बात करेंगे चलो आइए महाराज से कह दो ढोल कुमार आपके कचहरी में आना चाहते हैं बहुत अच्छा मैं जा रहा हूँ महाराज के जीवन की जय जयकार हो जय जयकार हो कहो मंत्री डोड़ियों से कैसे आना हुआ डोड़ियों से ऐसे आना हुआ महाराज कहो ढोल कुमार तुम्हारी कचहरी में आना चाहते हैं कौन ढोल कुमार कौन ढोल कुमार हाँ। जाओ उन्हें बायजित के साथ अंदर लेकर के आओ अच्छा महाराज मैं जा रहा हूँ अभी जिदा करके जा रहा हूँ अब चला जाइए महाराज आपको अंदर याद किया चलिए महाराज मैंने कहा महाराज के लिए नमस्कार चिरंजीव रहो कहो ढोल कुमार देखिए पिताजी हम गौना कराने के लिए आए आप गौना कराने के लिए आए हो ठीक है तो मैं मंत्री को भेज करके और मारू को अभी महलों से बुलवाता हूँ मंत्री ओ महलों के वास्ते जाइए और हमारी जो बेटी मारू है उसे लिवा करके लाओ अच्छा
बेटी मारू बुलवा कर बेटी मारू। अरे कहिए क्या बात है? देखिए आपके पिताजी ने आज तो बहुत खुशी है। देखिए कचहरी में याद किया है जरी मेरे। क्या मुझको? हमारे पिताजी ने हमको याद किया है। चलो मैं चलती हूँ। पिताजी जयशंकर की। जयशंकर की मारू। कहिए पिताजी। देखो आपने हमारे को किस लिए परेशान किया है? मैंने आपको इसलिए बुलवाया है कि ये लड़का और ये कहता है कि मैं ढोल कुमार हूं। बेटी आप इसकी परीक्षा लो। अगर ये तुम्हारा पति है तो इसके साथ चली जाना। अगर पति नहीं हो तो इसे मैं जेल में डलवा दूंगा। ठीक है पिताजी, आप किसी बात की चिंता नहीं करें। मैं जाती हूँ। महाराज तोता। कहिए सहेली। बहन यही मारू है। मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। हमारे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे पति हो तो इनके साथ चली जाओ। अच्छा ऐसा करो। ठीक है मैं ही जाती हूँ। मैं पहचान तो ले। मैं पहचान लूंगी। अच्छा हाँ खूब खूब अच्छी तरह से अच्छी तरह पहचान कर लेंगे पहले। ठीक है आप बैठ जाओ। हाँ। प्यारे भाइयों ढोला की परीक्षा लेने कई सहेली आती है लेकिन तोता सब ढोला को बता देता है। ए तोता महाराज ये जो पानी लेकर के आ रही है क्या ये मारू है? ये मारू ही है। ये मारू है? हाँ मारू तो बहुत सुंदर है। इनसे आप स्वयं बात करें मैं जब तक बाहर बैठता हूं। जयशंकर खुश रहो। मारू महाराज देखिए हमसे बहुत गौना धोखा हुआ जो अब तक तुम्हारा गौना नहीं किया हमने और अब हम गौना करने के लिए आए। महाराज एक बात है मुझे आपका विश्वास नहीं कि तुम मेरे पति हो। मैं आपकी कुछ परीक्षा लेना चाहती हूँ। क्या हमारी क्या परीक्षा लेना चाहती हो? जी परीक्षा लेना चाहती हूँ कि अपनी तेगा की दहार पर अपने करहा को नचा दोगे तब मुझे ये हकीकत में मालूम हो जाएगा कि तुम मेरे हकीकत में पति। ठीक है मारू मैं अपना धर्म दिखाऊंगा तेगा की नोक पर अपने करहा को नचाऊंगा। ठीक है देखना हमको दिखाएं। ये देखिए देखती हो तेगा की धार पर करहा नाच रहा है। हाँ महाराज मुझे विश्वास हुआ कि तुम ही मेरी पति हो। अब तुम कुछ हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ जब तुमने हमारी परीक्षा ली है तो हम तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। देखिए कच्चे धागे से इस कुआं में से खींचकर हमें पानी पिला दोगी तो हम जानेंगे कि तुम मारू हो। ठीक है महाराज। और तुम अब तक सत पर रुकी हुई हो? हाँ मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। आज मैं अपने पति को अपना पति धर्म दिखाना चाहती हूँ। हे भगवान कच्चे धागे से कुआ से मुझे पानी खींच करके अपने पति देव को पिलाना है। हे प्रभु मेरी दीक्षा करना। अरे दीन दयाला सुने जावा से तो सुने जावा से और ऐसी कछु माना मेरे बसी है। हे भगवान पिलाओ मुझे कच्चे धागे से पानी। ठीक है महाराज आपकी जैसी आज्ञा। अरे है किस यारी में जाऊं कहां तो मैं
जाऊ का और जैसे जल जाल में मीना पाती है अरे ऐसी करो प्रभु लाज बचे मेरी लाज बचे और मेरी हंसी तो प्रभु प्यारी हंसी है आज हम एक कच्चे धागे से कुआ से पानी खींच करके तुमको ठंडा पनीर पिलाने के लिए जा रही हूँ। प्यारे भाइयों, नेमसी एंड पार्टी का वीडियो सीडी प्रोग्राम तीन मूर्ति कैसेट के माध्यम से अलीगढ़ के विक्रेताओं को सूचना कि बॉबी फाइव स्टार इलेक्ट्रॉनिक मामू भांजा में मिलेगा, वहां से खरीदें। अरे दुल्हा दिल में बांध लो दिया अरे कच्चे धागे से बला मरे हजारी और आजो ठंडा पिया मेरे तुमको अरे बरनी ने कदई तो धर्म दिखा अरे जब ही जानूंगो तू पति विरता है और कच्चे धागे से दइयो रे मीरे ठीक है मारू तुम्हें धन्य है जो अब तक तुमने अपना सत दिखाया हमें लाइए पियो पियो मेरे प्राण पति ये तुम्हारे सत्य धर्म का पानी मैं खाली तुम्हारी परीक्षा ले रहा था अब ऐसा है कि मैं तुम्हें गौना करा के देश नरवर के लिए ले जाता हूं ले चलो चौधरी चलो अरे तैयार नरवर बहुत तुमने परेशानी भुगती होगी मेरे प्राण पति कहिए मुझे पता नहीं था मैं तो तुम्हें भूल ही गया था हमको तुम भूल चुके थे स्वामी अब ऐसा करो मेरे स्वामी अरे ले चल ले चल दुल्हा बेसे नरवर को साथ लेके जाए नरवर तो दिखा दे अपना देश अरे तोसी का सजनिया मेरी मारू मोकू नहीं मिलेगी हे मारू मैं तो तुझे भूल ही गया था रेवा के चक्कर में स्वामी अरे तोसी का सजनिया मेरी दुल्हन हमको नहीं मिलेगी मेरी प्यारी के गौनों करके तो ले किर नरवर कूदा मैं पीर रे चुवा दे दुल्हा अपा
मेरे प्राण पति मेरी सास के मुझे पैर को छुआ दी, जल्दी ले चलो मेरे प्राण। प्यारे भाइयों, इससे आगे का हमारा ढोला जीन मुल्क की लड़ाई, ढोल कुमार जीन मुल्क के लिए दखनी सी लेने के लिए जाएगा, उसकी परीक्षा ली जाएगी जब ढोला का गोना होगा। और यही तीन मूर्ति वीडियो एवं सीडी में आपको उपलब्ध मिलेगा, देखना मत भूलें। मैं तेरा रे चुवा दे दुल्हा अपनी मैया के, तरवरिया दुल्हा ना बिना बिना गुण के पामा। अब कोई चिंता मत करो, अरे भरत अरे संगई ले चलो देश नरावर को, चिंता मत करो। और समाचार रही तुलाहा चारी महाराज, तोता महाराज देखिए मारू की हमने परीक्षा ली। अच्छा, मारू अपने धर्म पर है और उसके अंदर धर्म है, उसने कच्चे धागे से हमें पानी पिलाया। बहुत अच्छा महाराज, लेकिन एक महाराजा बुद्ध की खबर आई है। अच्छा, के ढोला को जीन मुल्क दखनी चीन लेने के लिए भेजा जाए जब उसका गोना होगा। आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ क्यों नहीं सुंदर, हमारी तुम्हारी जोड़ी मिलाई है कुदरत ने। और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कितनी सुंदर हो तुम। क्या खूब लगती हो और बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, और फिर से कहो और कहती रहो, तुम फिर से कहो और कहती रहो, और ये अच्छा लगता है और जीवन का हर सपना तेरा मेरा सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तारीफ करोगी कब तक बोलो कब तक, तारीफ करोगी कब तक बोलो कब तक, और मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, तारीफ करोगी कब तक बोलो कब तक, ओ मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। कहिए मारे फिर से कहो, कहती रहो फिर से कहो, कहती रहो सच्चा लगता है जीवन का हर सपना अपना अच्छा लगता है। क्या लगती, अबे मारू महाराज, मारू तुम कितने खूबसूरत हो महाराज, तुम ये पर मर रहे हो, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। हाँ मैं मारू महाराज, नायक मुनहारी को, अच्छा नायक मुनहारी को ये खेल खिलाड़ी को, ये सब लोग ने मिल करके ये अर्ज गुजारी है, और राजी से तुम दे दो ला ला के जो हमारी है।
और मेरे दिल में है यही तमन्ना, ओ तमन्ना। ओए ओए, मुझको तो मिल गई ऐसी वरना, हो मेरे दिल में यही तमन्ना, ओ तमन्ना। अरे मुझको तो मिल गई ऐसी वरना, और फिर से कहो, और कहती रहो, और फिर से कहो, और फिर से कहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना तेरा मेरा, अच्छा लगता है क्या। मारू, ये कौन है तुम्हारे यहाँ का जी? अब तक जी सट रही है तेरी सौदा पट रही है, जा बूढ़े बाबा देख के बेटा तेरी मट्टी छट रही है। ओए भैया जी, तुम्हारे जीजा जी आए हैं। ये हाँ, हम तुम्हारे जीजा जी हैं। जीजा, अरे सारे सारे मत के जीजा जीजा के। अच्छा, हम जीजा हैं तुम्हारे। अरे सारे मत के जीजा जीजा के, जोड़ी में बात भाई घर मत के। भैया जी, अच्छी तरह से अपने जीजा जी से बातें करनी है। जीजा जी बोलो तो सही, जीजा जी बोलो तो। इधर आओ जीजा जी। अरे तुम सारी हो, ये सारी जी। अरे मारू, ये तुम्हारी सहेली है। सहेली है मेरी। ये सारी जी, ओ सारी जी बोलो तो सही, सारी जी बोलो तो सही, तेज के सिरियाने साली तो बुते जी। कहिए साली जी, कहो तो जीजा मेरे जीजा, जीजा जीजा ओ जीजा। क्या सुन रहे है साली हमारी? कहो तो जीजा प्यारी लड़िया बन जाऊंगी। क्या हमारी? अच्छा, लड़िया बन जाऊंगी प्यारी टांगन में धसिया। ओए कहो तो जीजा लड़ी बन जाऊंगी, और फिर लड़ी बन जाऊंगी, हाय लड़ी बन जाऊंगी प्यारे गले से लग जाऊंगी। जीजा जी बोलो तो सही, तो सही, और तेरे के सिरियाने तारी कब की। कि तुम मेरे सारे हो, तुम यही के हो ना साले हो तुम हमारे। कौन तुम? मैं। हाँ, कहो तो जीजा। अच्छा, पेंट बन जा। तुम्हारी पेंट बन जाएंगे। अरे पेंट, अपने जीजा जी को अच्छी तरह। ओए काए को हमारी साली, और तुम पेंट बन जाओ। जीजा, और पेंट बन जाऊंगी, हाय जीजा जी कोई पेंट बन जाऊंगी प्यारी जांगो से लग जाऊंगी। ये कोई, ये कोई जीजा तेरी बहने की चुनर क्या फाटा। और पेंट बन जाऊंगी प्यारी जांगो से लग जाऊं। जीजा जी, जीजा जी बोलो तो सही, तेजी की प्रिया ले साली। अरे आज तुम दिमाग खराब कर रहे हो। अरे जीजा जी कहिए। अरे छोटी जीजी के मन में लड्डू फूट रहे तुम्हारे सामने। हमारे हाँ देखिए,
उनसे तो हम दो जाना मिलेंगे, तुमसे नहीं मिल पाएंगे। हाँ जी भैया, तू अकेला पच जा, तू अकेला पड़ गई तो देख चीजा के चक्कर में थी ऐसा कर। अरे गुंड मुड़ खाए ले चाय खाले गुट का, और गुंड मुड़ खाए ले चाय खाले गुट का। ये चिरंजीवी लाल के मैं फिल्म बीवी भैया। अरे सुन ले तू लटका, अरे गुंड मुड़ खाए ले चाय खाले गुट का। राजी कहिए कहो तो जीजा, बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी हाँ जी जी ये कहो तो जीजा काजल बन जाऊंगी। ले जाओ चल ले जाओ, काजल बन जाऊंगी, काजल बन जाऊंगी तेरी आंखों में धस तेरी गुंडा मारू। जीजा जी बोलो तो सही, पेट के प्रियाने साली जीजा संभाल राखी क्यों क्यों जीजा मुझे मक्खर माने बचते ही ऐसा करियो। कैसा जीजा सारे पटाई लीजियो, ऐसा मत करियो। कैसा क्या तू मोए भून जाए और दे जीजा बैठा रे मत तू मेरे बड़ा पकड़ कर हाँ। जीजा ये हाँ क्या है ये देख ले। अरे बकस है दिखलाऊंगा ये बक्सा छोटा। और कहो तो जीजा कहो तो जीजा चश्मा बन जाऊंगी। क्या हमारा ठीक है चश्मा हमारा वैसे भी टूट रहा है। आपको चश्मा बन जाएंगे, ये भी बहन है हमारी छोटी बड़ी साली हो तो ये गुड्डी है ये गुड्डी भाई। हाँ और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा सितारा। अच्छा और चश्मा बन जाऊंगी प्यारी आंखों से लग जाऊंगी। जीजा जी जीजा जी बोलो तो सही, और इससे केसरी आने सारी और क्या कहते हो तुम्हारी कसम हमको तुम बहुत अच्छे लगते हो। बहुत पसंद है और क्या हमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा कहो क्या कहना है तुम्हारा।